सिंह, आप देख रहे हैं केबी न्यूज और ये है आज की बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज और मैं देवेंद्र सिंह। आज आए हुए थाना क्षेत्र बीकेटी के कपासी ग्राम में, और जो कि रसूलपुर सादत थाना इंदिरा नगर का कोटा, विवादित कोटा यहाँ ट्रांसफ़र किया गया, जो कि यहाँ के जो है कपासी क्षेत्र के कोटेदार जी वहाँ पे माल लेने के लिए गए और उनको पता चला कि यहाँ के कोटेदार को माल वो कम दे रहा है, वहाँ के कोटेदार, जो कि वो माल पहले से ही जो है गोडाउन से माल ला के इनको प्रोवाइड करा रहा था, जिसमें 12 क्विंटल का माल कम पाया गया। तो यहाँ के कपासी के कोटेदार ने लेने से मना कर दिया। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और जानते हैं यहाँ के कोटेदार से और क्या क्या समस्या आई। तो त्रिलोकी प्रसाद, त्रिलोकी जी ये बताइए, जो रसूलपुर वाला आपको कोटा ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ से आपने राशन रिसीव किया? मैंने। क्यों? वहाँ जब हमका माल कम मिल रहा है तो पैसे हम रिसीव कर लिए। माल कैसे कम मिल रहा है? पैसे का जब वहाँ जो अब के लिए स्टॉक आया है उसमें भी 11 क्विंटल कम मिल रहा है। अच्छा, जो अभी स्टॉक आया उसमें 11 क्विंटल आपको कम मिल रहा। हाँ। आपने राशन कहाँ से उठाने के लिए गए थे? हम राशन हमका गोदाम से उठा तो हम उठा लेते। हाँ। मगर यहाँ लड़ाई झगड़ा कौन करेगा? कहाँ लड़ाई झगड़ा? यहाँ रसूलपुर में। तो माल तो आप लोगों को गोदाम से मिलता है, तो रसूलपुर क्यों गए थे उठाने? रसूलपुर अब उनसे पूछा जाए राशन कैसे उठा ले, दुकान हो गई है तो राशन कैसे उठेगा। तो ये आपने उनसे पूछा कि जो कोटेदार है वहाँ के उनका नाम क्या है? तो राम प्रकाश यादव। राम प्रकाश, आपने नहीं पूछा कि आप राशन का वहाँ से क्यों उठा के लाए? तो हम यूँ का इनसे पूछे का अधिकार ही नहीं हमारे, कि वो ऐसा ही दबंग है कि। तो माल जो आपको राशन यहाँ पे जो कोटे पे गए थे राम प्रकाश यादव जी के यहाँ, तो ये इन्होंने माल पहले से रिसीव कर लिया था गोडाउन से? हाँ, वहाँ से गोदाम से पहले 24 तारीख को माल ले आए। ओके, तो आपको इन्होंने सूचना दी कि आपको वहाँ से सूचना? नहीं, हमका सूचना वहाँ से मिली है। सूचना आपको गोदाम से मिली है कि आपको राशन यहाँ से उठाना है? हमका सप्लाई ऑफिस में यहाँ 4:30 बजे आदेश मिला, तब हम जान पान कि ये दुकान रसूलपुर वाली सस्पेंड होकर नाम हमरे आ गए और राशन के पहले आ चुका है, 6 रोज पहले राशन उठा लाए। 6 रोज पहले उन्होंने राशन अपने पास उठवा लिया जबकि उनका कोटा सस्पेंड हो चुका था? सस्पेंड हो चुका था वही, उसके बावजूद भी उन्होंने वो माल अपने पास उठा के लेकर आए। हाँ। और उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया गया? हाँ। कि आप अपना माल उठा के ले जाए। हमको 30 तारीख को सूचना मिली, 24 तारीख को वो लेके गए हैं राशन, और आपको 30 तारीख को सूचना दिया जाता है कि आपको रसूलपुर वाला कोटा कैंसिल करके आपको दिया गया है? आपको दिया गया। तो वहाँ पे जो है आप जब यहाँ कोटेदार के पास गए तो वहाँ पे आपको माल लेने में क्या दिक्कतें आई? कि माल लेने में दिक्कत का है कि हम जब कहीं हम 2 टाली ले गए, 8 लेबर ले गए, 1,000 रुपये की 1,000 रुपये टाली की रहा है और 300-300 रुपये के लेबर रहा है, 2400 हुए है कि बिल्कुल 4400 रुपये हमारा चला गया। और उसके बाद राशन 20 कट्टी लदवाई, उसके बाद कहीं कि फलाने तुम पैसे दो पहले तब राशन मिला। हम कहें राशन पैसे तभी देंगे जब हम काटा करा लेंगे, कहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, जाओ जिसको बुलाना हो बुला लो, हम राशन नहीं देंगे। और उसके बाद औरतन बुलाए लाए, करीब 40-50 औरतें बुलाए लाए, तो वही औरतें कहला कि राशन यहाँ से नहीं जाएगा और हम इस तारीख नीचे पहुँच रहे, बस कोटेदार जो रहा है तो वो करा लिए राशन पूरा। उसके बाद हम लोग टाली लेके चले आए। तो उसमें आपका 8 लेबर था और 2 ट्राली थी, 1,000 रुपये ट्राली ले गए रहन और 300-300 रुपये लेबर ले गए। आपने आपूर्ति विभाग को सूचना दी इस बात की है? आपने दफ्तर में अपने सूचना दी इस बात की कि वहाँ दिक्कत हो रही है आपको राशन उठाने में? वहाँ फिर इंस्पेक्टर को फोन किया, तो इंस्पेक्टर ने कहा कि इंस्पेक्टर से बराबर तुरंत फोन मिलाया इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर ने कहा कि वो जितना राशन दे रहा उतना राशन ले लो और जितने वो पैसा मांग रहा उतने पैसे उसको दे दो। अच्छा। तो मैंने कहा ये हम नहीं करेंगे कि हमको राशन भी कम मिला, उसको पैसा जितना मांग रहा उतना पैसा दे दे, जितना राशन दे उतना राशन ले लें, ये कोई हिसाब है? मतलब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको एक तो राशन भी कम दिया जा रहा है, बाकी वो जो आपूर्ति विभाग से आपको राशन दिया जा रहा है उसी का रेट वो आपसे मांग रहे हैं?
रेट तो वही मांग रहे हैं मगर राशन कम मिल रहा है तो हम जनता कैसे देंगे? जनता तो हमारे खोपड़ी खाली की जो राशन हमका दो। तो वहाँ के खाता धारक आपके पास आए एक भी अभी तक? एक भी नहीं आया। हम जब राशन हम नहीं लाए कैसे आ जाए? चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि हमने देखा यहाँ के कोटेदार जी जो हैं इनका कहना साफ साफ है कि ऊपर से खाद्य विभाग की आपूर्ति विभाग के जो है आला अधिकारी भी इसमें मिली जुली सरकार दिख रही है, जो कि वहाँ के कोटेदार और वहाँ के असमक्ष अधिकारी भी जो हैं इस चीज़ से रूबरू हैं। और इसके बारे में चलेंगे वहाँ के अधिकारियों के साथ भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। तो मैं देवेंद्र सिंह, AKB न्यूज़। Please do not forget to like, share and subscribe our channel.